हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारा कॉलेज में लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पास ग्रेजुएट होने वाला है और कल हम लोग का फेयरवेल है। तो इसलिए आज फोटोशूट हुआ हम लोग का इस ड्रेस से। हम लोग का एग्ज़ाम बाकी है, बट फिर भी क्लास में आना नहीं होगा शायद आज के बाद, तो इसलिए अभी फ़ोटोशूट कर रहा है बुलबुला। तो अभी मैं हम लोग के कॉलेज के गार्डन में है, जो कि हम लोग के बोटानी डिपार्टमेंट का ही है। और इस गार्डन को हम लोग ने ही क्रिएट किया, मतलब हम लोग ने क्रिएट नहीं किया, मतलब जब इसको बनाया था तो हम लोग ने हेल्प किया था टीचर्स लोग का। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये गार्डन कितना ब्यूटीफुल हो गया है। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ गार्डन, इधर भी देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारा है। और मशरूम भी है कल्चर किया हुआ, जो कि बन है वो नहीं खोल सकते। तो ग्रीन हाउस भी बनाया हम लोग के कॉलेज में, ये सब, ये दोनों है ग्रीन हाउस हमारे कॉलेज में। इधर में आप लोग को क्या मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे। इधर का बनाना था वो छुरा लिया किसी ने, अभी इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, पहले टाइट नहीं था फिर छुराया। ये सब ब्रिंजल्स है, चिल्ली से और कुकुम्बर है वो लास्ट वाला, और वो स्ट्रॉबेरी है जो कि अभी नहीं होगा। तो जब इसको बनाया था तो ये गार्डन, मतलब जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया ना, तो ये बहुत ही खाली था, इसमें प्लेन कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ मिट्टी था ये सब, अभी जैसा दिख, मतलब जंगल जंगल टाइप का था थोड़ा। हम लोग का पता ही नहीं चला क्योंकि 3 ईयर्स निकल गया। फर्स्ट ईयर तो लॉकडाउन में चला गया, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कैसे कैसे चला गया पता नहीं चला, और ये लास्ट ईयर तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कल ही जनवरी था, पता ही नहीं चलता है कब को ख़त्म हो गया। और ठीक है, और ये है हम लोग का एक्वा गार्डन, जहाँ पे एलगी वगैरह है, हम लोग का प्रैक्टिकल में जो बहुत ही ज़रूरी है चाहिए होता है। और ये सब, ये बीटलनाथ जैसा दिखती है पर ये बीटलनाथ नहीं है, तो सर लोग का प्लान ये है कि इस बोटानिकल गार्डन को भी बहुत बड़ा बनाएगा, ताकि बाद में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए उन लोग के लिए हेल्पफुल हो। ये गार्डन काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है कि बैशाखू में या फिर कुछ भी फेस्टिवल होता है, मतलब प्रोग्राम होता है दिन में, तो यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए आता है। आई एम अबाउट द लाइब्रेरी, वो ऊपर में लाइब्रेरी है और वो नीचे वाला हम लोग का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम लोग क्लास लेते हैं। पता नहीं ये कौन सा ट्री है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ना। ये ऊपर में ऑर्किड लगाया हुआ है, बहुत ही ऊँचा है, आप देख सकते हैं। ये प्लांट काफी ज्यादा पसंद है मुझे, ये जत्रोपा है। अब ये बहुत ज्यादा साफ हो गया है, और उधर में भी क्या बोलते हैं वो एक्वा गार्डन जैसा ही वो बनाने वाला था ना, उधर में आप देख सकते हैं कौन जैसा है। हाँ, लेकिन पानी नहीं है अभी, और यहाँ पे हिल है, और वहाँ पे क्या है, पाइनएप्पल्स लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको अभी नहीं खाएंगे हम लोग, हम लोग को खाने को नहीं मिलेगा शायद, लेकिन हम लोग के जूनियर्स को खाने को मिलेगा। और ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है। तो मैं अभी आप लोग को फर्स्ट ग्रीन हाउस दिखाऊंगी, सेकेंड वाला तो दिखा दिया, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स है जो अभी अभी बना रहा है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये वाला फर्स्ट बनाया हुआ था, जहाँ पे बहुत सारा प्लांट स्पीसीज, इंडोर प्लांट्स है। Thank you.
घर दिखा रही हूँ। इधर जो भी प्लांट है तो वहाँ पे थोड़ा सफाई हो रहा है। हम लोग का क्लासरूम प्रज्ञान से हाय। ये हम लोग का सर लोग का, ये हम लोग का एचओडी सर है। हाय हन ब्लॉग कितने तो यहाँ पे कल के प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। हाय हन सर, हाय बोलो मेरा ब्लॉग में ओपन। हाय उराई, हाय हाय। इतनी ज़्यादा थक गया है, पानी लेने के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सॉरी आप लोग मेरा हालत देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है बस तो इतना ठंडा। ऐसे ऊपर में कौन पानी रखता है? उफ पूरा पीछे भैया एक आइसक्रीम दीजिए। कितने का है? फोटो लेगा? हाँ वीडियो लेगा। कितने का है? 10 rupees 20 वाला बना दूँ? 10 rupees वाला दीजिए। नंबर चाहिए सर? मैं चाहता हूँ मुझे। और ये चॉकलेट वाला दीजिए ना थोड़ा, और वो वाला है ना पीने वाला? हाँ 20 rupees का। 20 rupees का है? 10 rupees का नहीं होगा इसका? 2 का। Life of a thug nigga till the day I die. In the life of a boss player, it's even getting high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss.